तो लास्ट नाइट की स्टे जो हमें गांधीनगर में स्टे मिला था इस बिल्डिंग में, ये अपार्टमेंट्स हैं बने हुए, 7 स्टोरी बिल्डिंग में हम ठहरे थे और अभी हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहीं पर। उमा कांता बैठा मेरे पीछे, आज बड़ा चश्मा लगा के बैठा है उमा कांता। और ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा है, पराठा दही और चाय। हम जा रहे हैं गांधीनगर से आज इंदौर, और उससे पहले गवर्नर हाउस जाएंगे गांधीनगर गुजरात में, और उससे पहले भी हमारे एक सीनियर राइटर हैं मिस्टर डॉक्टर रावल, और उनके घर पे है ब्रेकफास्ट। तो हम रेडी हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल बनता है। हम खड़े हैं यहाँ पे गवर्नर हाउस गुजरात, और यहाँ से होने जा रही है हमारी फ्लैग ऑफ सेरेमनी। हम आज जा रहे हैं इंदौर, वैसे रेस्ट डे था लेकिन कुछ हम लोगों का प्लान चेंज हुआ और आज हम जाएंगे इंदौर, फ्लैग ऑफ सेरेमनी करेंगे गवर्नर ऑफ गुजरात। अंबिका ने आज एक सफेद कुत्ते को ऊपर पहुंचा दिया और कम से कम 10 पलटियां मारा और गाड़ी ने 100 फीट दूर था, फिर उठा और उठ के बोला मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 2 मिनट में उधर से हम निकल गए, ना पानी पिया ना कुछ भी नहीं, ना वो शिवरिंग नथिंग, आयरन लेडी ऐसा भी बोलो ना, वही जो सफेद कुत्ता दिखेगा गिरा हुआ। ये देखो नॉर्थ ईस्ट वाले आ रहे हैं और इनके फ्रेंड्स इनको किस स्टाइल से बुला रहे थे, वही लोग की तरह। एम्बुलेंस के आने से नंदी को नींद आती है। मेरा हो गया है एक्सीडेंट थोड़ा सा, बड़ा वाला चोट लगी है ये देखो, और पैंट वेंट सब फट गई है, सब अभी सेम थी के बॉट मेरी चोली में डाल रहे। अरे बार और हम खुद राइड करेंगे। फाइनली अहमदाबाद से हम सूरत पहुंच चुके हैं, काफी लेट हो गया आज, 9 बज गए, और रास्ते में मैं गिरी भी डॉग की वजह से, डॉग आ गया था आगे, चोट लगी है, बैक पेन भी हो रही है, बट फिर भी थैंक गॉड मैं सेफ हो गई। मतलब जितनी ज़ोर से मेरी पलटी लगी और मैं जितना स्किड होके गई, मेरी बाइक कितनी दूर स्किड हुई, हाईवे किसी की दुगाएँ लगी हैं आज, थैंक टू गॉड। ये देखिए कितना ज़्यादा पेंट सब फट गया, ओह गॉड ये पूरा फटा है, टांग पे चोट लगी और शर्ट ये भी सारी फट गई है, बट फिर भी अगर राइडिंग गियर नहीं डाले होते, ये नीचे से
सेफ्टी गियर दिख रहा है, अगर नहीं डाला होता तो ज़्यादा चोट लगती। और ये भी इधर बैक साइड पे जो ये सेफ्टी गार्ड है उसकी तरफ से, और पैंट तो पूरी फट गई है ना, पूरी की पूरी फट गई है। माय गॉड, अभी सुबह हर्षन से नई बेल्ट लेनी पड़ेगी। इवन इसको तो इधर चिपकाया ही है जब बैंडेज की थी। See? हम कविता जी को दिखाएंगे शॉट। शर्मा जी अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करते थे रोज, चाहे कविता जी मिस करते उनको ये नहीं पता कि कविता इधर मिल गई। इतने भी मारी हुई है क्या, चोट लगी हुई है अंबिका ने, अंबिका ने चोट लगी हुई है, ये देखो देखते हैं कोई बात नहीं, इतनी चोटें लगती है, सब ठीक है। सही बात, हम पहुंचे हैं सुबह सुबह यहाँ पे बैंडेज करवाने के लिए इंदौर के हॉस्पिटल में। हर्षल जी बोल रहे हैं कि नहीं, इंजेक्शन करवाना ही है और बैंडेज करवानी ही है। शुक्रिया कि मेरा जो इतना बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी।